गुजरात जहूर इलाही स्टेडियम खचाखच भर गया। हर तरफ पाकिस्तान का कौमी परचम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीटीआई के झंडे लहराते नजर आए। 2 सितंबर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जलसा, एमएनए मुनिस इलाही, वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का खिताब। एमएनए मुनिस इलाही ने अपने इस्तकबालिया खिताब में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को आइंदा गुजरात से इलेक्शन लड़ने की पेशकश की। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि गुजरात में जल्द ही एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा है। परवेज इलाही ने इमरान खान को कहा कि आप गुजरात से इलेक्शन लड़ें, मियांवाली से ज्यादा वोट मिलेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कामयाब जलसा कराने पर वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, एमएनए मुनिस इलाही और पीटीआई की तमाम लोकल क्यादत को खिराज तहसीन पेश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, गुजरात की गयूर आवाम का बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के कायद इमरान खान जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं, उनका भी शुक्रिया कि उनने गुजरात को ये एजाज़ बख्शा। हम अपने यूसी मदीना सैदा की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं और गुजरात की गयूर आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। जलसे के बारे में क्या है आपका? शाह साहब, हम मस्कत से स्पेशल सिर्फ इस जलसे के लिए आए हैं। हम इमरान खान को पूरी सपोर्ट करते हैं। आप मस्कत से गुजरात में सिर्फ जलसे के लिए आए हैं? जलसे के लिए आया हूँ। मैं करियावाला गुजरात से हाजीवाला से आया हूँ। हाजीवाला से आप हैं? मैं इधर सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि हम इन चोरों से छुटकारा चाहते हैं। उन्होंने मुल्क में जो तबाही की है, सिर्फ एक इमरान खान वाइज ऐसा जो हमसे हमारी। लेकिन इमरान खान ने तो वहाँ पे पीटीआई के वर्कर को टिकट ही नहीं दिया था। इमरान खान ने नहीं दिया, लेकिन हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह इमरान इस मुल्क की तकदीर बदलेगा। इमरान खान एक वाहिद लीडर है इस वक्त जो इस मुल्क के हालात बदल सकता है। इस वक्त बिजली का मसला आप देख लें, लोड शेडिंग आप देखें, जितना बिल आ रहा है 15-15, 20-20 हज़ार रुपया बिल आ रहा है एक मजदूर आदमी का, उसकी तकदीर सिर्फ इमरान खान बदल सकता है। एक वाहिद आदमी, एक वाहिद लीडर इमरान खान। क्या नाम है आपका? मुदस्सर महदी। मुदस्सर महदी। मैं अपने कायद चौधरी परवेला चौधरी मौलाना खराज तस्सीर पेश करना। उन्होंने इमरान खान का जो धार का फैसला किया बहुत अच्छा किया है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला से, इंशाअल्लाह तआला साडा पाकिस्तान तरक्की करेगा। मैं अपने कायद चौधरी मौलाना खराज तस्सीर पेश करना। उन्हें बड़े कड़े दौर के फैसला किया इमरान खान का धार का। असं जनाब खराज तस्सीर पेश करने, असं इमरान खान खुश आमदीद कहने गुजरात की धरती से। इंशाअल्लाह तआला जिहड़ा अपना धार है पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की का जो काम रुके सन ये जनाब दोबारा शुरू होंगे। और मेरे कायद चौधरी परवेला ने जो मनसूबे ने अपना तमीर किए, उन्हें गुजरात यूनिवर्सिटी बनाई है, दिल का अस्पताल बनाने कार्डियोलॉजी वजीराबाद 1122 बनाई है। मनसूबे ने जो सदियाँ याद रहने पिछले 2-10 साल दो नून लीग का रहा, उन्हें कोई काम नहीं किया जनाब। उन्हें जो मेरे कायद चौधरी परवेला ने मनसूबे सन उन्हें तख्तियाँ लगिया सन जनाब, उन्होंने भी लाती सर। और इंशाअल्लाह ताला जो काम रुके ने मेरे कायद चौधरी परवेला दोबारा जनाब शुरू करेंगे। मैं अपने कायद चौधरी परवेला खराज तस्सीर पेश करना और चौधरी मौलाना साहब खराज तस्सीर पेश करना। जनाब असी जरा जलूस लैके सारी ड्यूटी लगी थी, असी अर्शद भाई भट्ट, राजा अफजल नन्ना, सजाद हंडिया, खान शबीर चौधरी, असर इम्तियाज राठौर, असं जनाब 2-3 हज़ार बंदा लैके आए इंशाअल्लाह ताला जनाब असी सारे। और इंशाअल्लाह ताला असी जनाब सर साड़ी जारी ड्यूटी लागे चौधरी मौलाना साहब चौधरी परवेला साड़ी जान भी आ सर। इंशाअल्लाह ताला जनाब असी जारी ड्यूटी लागे असी पूरी दिहाड़ी निभावेंगे। मैं अरशद वहीद भट्ट, सदर तिंबल बाजार गुजरात। असी परवेलाई तो मोनस साहब के मशहूर हाँ, उन्होंने ये बड़ा अच्छा फैसला किया है और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह उन्होंने अगे बड़े बड़े वे मैगा प्रोजेक्ट्स गुजरात में लियादे सन, उस तो भी ज़्यादा गुजरात के प्रोजेक्ट्स आने और असी इंशाअल्लाह ताला अपने लीडर के नाल इमरान खान साहब के नाल भी असी उन्होंने धादी हाँ इंशाअल्लाह ताला। असी उन्होंने मोंडे ना मोंडा ला के चलेंगे, साढ़े लीडर भी फिर चलते हैं और जिन्हें काम इन्होंने अगे किए उस ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला हूँ होंगे। सीवर का मसला है, परवेज साहब ने अगर गल हुई थी मोनस साहब जी उन्होंने अगर उन्होंने काम शुरू करा की वादा किया, जल्दी इंशाअल्लाह ताला शुरू हो जाएगा। 1122 दी बाइकां भी शुरू हो गई ने। 1122 बड़ा अच्छा मनसूबा थी जिहड़ा बंदियां दी बड़ियां जानां बचदियां ने, बंदे बैठे उत्थे डिगे डिगे मौत हो जाते हैं।
पांच मिनट च पहुँचते हैं। यूनिवर्सिटी साड़ी सोच तो भी ज्यादा यूनिवर्सिटी अपर लैवल की यूनिवर्सिटी है। इन्हों का वही बड़ा वड्डा मनसूबा जिहड़ा कि भुले ही नहीं जा सकता। इंशाअल्लाह ताला असी इमरान खान साहब नाल परवेज साहब नाल मोनस साहब नाल मोनस साहब के कहते असी सारे इन्होंने हाथ हाजिर होए हैं। इंशाअल्लाह ताला सारी जिंदगी असी इन्होंने नाल आगू भी इंशाअल्लाह ताला इन्होंने नाल इन्होंने इमरान खान के नाल रहेंगे। अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा इंशाअल्लाह। जिहड़ा कीता फैसला साडे लीडर चौधरी मोनस साहब ने चौधरी पेड़े साहब ने मरहान साहब मराना साहब दिता असी बड़ा अच्छा फैसला पे। इंशाअल्लाह असी इन्हां नाल हाँ मतलब इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन इमरान खान इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म होगा तो चौधरी पेड़े वज़ीर आला फिर होगा इंशाअल्लाह। एक याद काम याद काम अगे है ना उस बाद काम होने इंशाअल्लाह जो काम है सुनील का वो भी इंशाअल्लाह दलाएगा। ठीक है ना याद चलना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं चौधरी अज़हर सदर मोती बाजार गुजरात जनाब मोहनस लाई दे परवेज लाई दे असी बहुत मशहूर हाँ जिहड़ा उन्होंने इन्हां इमरान खान का साथ देने का ऐलान किया है। यह उन्होंने बहुत अच्छा फैसला सी ते परवेज लाई साहब इंशाअल्लाह बहुत काम कर रहे ने इंशाअल्लाह गुजरात की पंजाब की तरक्की वास्ते बहुत काम कर रहे हैं। थैंक यू जनाब। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बुरी है। आज साबित हो गया चौधरी मोनस राई ने जो फैसला किया वो गुजरात के लिए पंजाब के लिए पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसला किया है। ये आज जुनून साबित कर रहा है कि जो फैसला मोनस राई ने किया बहुत अच्छा किया है। इससे पता चलता है कि अवाम जुनून जो है चौधरी बरादान के साथ और इमरान खान के साथ है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब आप कदम बढ़ाओ चौधरी बरादरन क्या पूरा पाकिस्तान आपके साथ है इंशाअल्लाह ताला। मेरे लीडर मेरे कायद चौधरी मोनस राई ने हमें हुक्म दिया है इंशाअल्लाह ताला हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। इधर भी बहुत हमारे ताजरों की और यूसी की नुमाइंदगी हुई है इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन होगा तो उधर भी आपको पता चलेगा कि इंशाअल्लाह ताला ये गढ़ जो है चौधरी बरादरान का और इमरान खान का गुजरात इंशाअल्लाह साबित होगा। पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है। बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम कुमार साहब जरा खड़े हो ना जनाब क्या हाल चाल है खरिया से शुक्र सर से सब ठीक हो खरिए तो माशाल्लाह जी इमरान खान के संग हैं चाहे परवेज भाई साहब के मोनस भाई के संग हैं और इस तरह पाकिस्तान के हकीकी आज़ादी के लिए हम इनके शाना बशाना हैं। मैं मेरे माशाल्लाह बच्चे भी मेरे साथ हैं माशाल्लाह। अब्दुल्ला इधर देखो बेटा इधर देखो। अब्दुल्ला यार इस छोटी उम्र में सियासी कारकुन बन गए हो तो क्या खड़े हो दो कौन सी क्लास में पढ़ते हो अब्दुल्ला? मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। फर्स्ट ईयर में माशाल्लाह तो सियासी कारकुन बन गए हो आपको ये एजाज हासिल हो गया है। ये पहला जलसा है आपका अटेंड करने का? ये पहला जलसा। कुमार साहब बताएं कि गुजरात में जो है चौधरी बरादरान और पीटीआई का जो इत्तेहाद है इससे क्या समझते हैं कि आने वाली सियासत में क्या असरात रखते हैं? मैं समझता हूँ ये चौधरी बरादरान का बड़ा ही अच्छा फैसला है कि उन्होंने इमरान खान के साथ जो शमूलियत का इजहार किया है इसमें इनकी सियासत जो है आगे लॉन्ग टर्म चलेगी। अगला फ्यूचर और मुस्तकबिल सिर्फ इमरान खान का है और ये चौधरी बरादरान का मोनस राई का बड़ा अच्छा फैसला ही है। गुजरात में पीटीआई की जो नजरियाती जमात के कारकुन थे और जो लीडर थे 126 दिन उन्होंने धरने में वहाँ पे इस्लामाबाद में शिरकत की तो आज उनको दीवार के साथ लगा दिया गया है साइड लाइन पे कर दिया गया है क्या ये तरीके इंसाफ का इंसाफ है? मेरा ख्याल है कि ये तरीके इंसाफ से ज़्यादती हो गई कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है। आपने देखा ही है कि जो पीडीएम चूचू का मुरब्बा बना हुआ है अवाम ने इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया अवाम इससे बिल्कुल तनफर हो गई है और इस वक्त पाकिस्तान की अवाम चेंज चाहती है और वो चेंज सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की शक्ल में और चाहे परवेज़ राई चाहे मोनस राई की शक्ल में नज़र आ रहा है।
जीत है, जुनून नहीं। इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद। चलो आप ऊपर करो, ऊपर करो। आप लोग घर से क्या करने आए हो इधर? इमरान खान, हम इमरान खान आपको देखने, आपको देखने आए हैं। वेरी गुड। इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद, जिंदाबाद।